नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नए पोस्ट वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा यह घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो पोस्ट है जिनकी घोषणा की गई है वो है टेक्नीशियन 3 एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है टेक्नीशियन 3, इनके लिए जो कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, और वो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि आप 10th पास या फिर 10th+ कोर्स कंप्लीट आपने की हो एक्ट अप्रेंटिस के द्वारा, या आपके पास ITI सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो कि NCVT के द्वारा ग्रांटेड हो, और आपके अपने रेलेवेंट ट्रेड्स में। साथ ही आप देख सकते हो, आपके पास ट्रेनिंग पीरियड स्पोर्ट्स कोटा में होनी चाहिए 3 साल की, या फिर आपने ITI क्वालिफिकेशन पास की हो अपने रेलेवेंट ट्रेड में, और जिसमें कि आपका टेन्योर 6 महीने का होना चाहिए। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि आपने 12th+2 पास की हो या फिर उसके इक्विवेलेंट की एग्जामिनेशन, और आपकी टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, और साथ ही ये इंग्लिश और हिंदी प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर पे होनी चाहिए जो कि एसेंशियल है। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके लिए एड्रेस मेंशन की गई है ऑफलाइन एड्रेस, तो ये जो एप्लीकेशन का जो मोड है वो है ऑफलाइन। साथ ही जिस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो है टू द जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट सेल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 14602। गाइस आपको दिए इस एड्रेस पे, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है ऑफलाइन मोड के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पोस्टल या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अटैचमेंट सेक्शन में कुछ अटैचमेंट्स देखते हो। इन अटैचमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सारी माइन्यूट डिटेल्स होती है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी या फिर एग्जाम पोस्ट करती है। मैं आपको बता दूँ, इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो सारी डिटेल्स होती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जैसे एज लिमिट, साथ ही लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलती है। तो गाइज अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अटैचमेंट सेक्शन से इस डाउनलोड सेक्शन को प्रेस करके डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। आप देख सकते हो, ये बास्केटबॉल मैन के लिए 3 वैकेंसी निकली है, साथ ही रेसलिंग मैन के लिए 3, एथलेटिक्स वुमेन के लिए 2 एंड हॉकी वुमेन के लिए 2, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 10। और साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेइंग पोजीशन या फिर प्लेइंग इवेंट के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशनड है। साथ ही यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस भी मेंशनड है, जो कि है 19 फेब 2022, यानी कि 19 फरवरी 2022 से लेके जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च 2022, यानी कि 21 मार्च 2022 ये है लास्ट डेट। आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइलाइटेड में एक पॉइंट मेंशन की गई है कि ये पूरी वैकेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की हो। साथ में आप ये भी देख सकते हो, जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 years की, ये यहाँ पे मेंशनड है। और जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशनड है वो ये है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। गाइज आप देख सकते हो, ये दोनों ही पॉइंट्स मैंने आपको कम्प्लीटली बता रखी है। और आपके लिए मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। आपको ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से डिटेल्स में पढ़ सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है जनरल के लिए 500, और साथ ही जो SC ST या एक्स सर्विसमैन या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर वुमेन कैंडिडेट या फिर माइनॉरिटी या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन प्रोसेस है। गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ी एग्जम्पशंस के भी काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशनड है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ये आपको इशू करनी है या आपको बेसिकली अटैच करनी है, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। आपको यहाँ पे अपने नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपने पर्सनल बायोडेटा यहाँ पे फिल करनी है, साथ ही आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके अपना नाम भी मेंशन करना है। आप देख सकते हो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आपको एक लिंक दी गई है, आपको दिए गए इस लिंक पे एप्लीकेशन
डाउनलोड करके आपको फिल करनी है। आपको साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगानी है जिसमें मेंशन है कि आपकी फ़ेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस पूरे एप्लीकेशन में इंटरव्यू की भी एक प्रोसेस होगी और साथ ही जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है कपूरथला की। आप जब यहाँ लास्ट पेज पे आते हो आप देखते हो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके लिए अटैच की गई है। आपको यहाँ पे अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी कि पर्सनल डिटेल्स आपको मेंशन करनी है और आपको यहाँ पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन करने हैं। आपको अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स मेंशन करनी है। गाइस इस पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशंस कन्वे की है। स्टिल अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको इशूज है या क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन पर क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप यहाँ पे नीचे एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन देखते हो। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने क्वेरीज या अपने डाउट्स कुछ भी आप मेंशन करते हो तो वो हम तक आता है और हम आपको उनको सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। गाइस ये पूरी प्लेटफॉर्म आपके हेल्प के लिए बनाई गई है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप एक्सप्लोर करें, इनके बेनिफिट्स लें और अगर आपको इंटरेक्ट करनी है तो आप हमसे यहाँ से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं इस राइट अ रिप्लाई के हेल्प से। तो गाइस आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट अगर आपको वीडियो देखते वक्त भी कुछ इशू आती है आप एक टैप करके इस पूरे कम्युनिटी फोरम से हेल्प ले सकते हो और हम आपको ऑन टाइम रिप्लाइज भी देते हैं जो कि गारंटीड है। गाइज आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।